हेलो व्हाट्स अप गाइस, दिस इज अकृत एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। और काफ़ी दिनों के बाद आज एक नया व्लॉग बनने जा रहा है। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो यहाँ पे बहुत मशहूर है। लोगों को वैसे भी पता चल जाएगा, तुम लोगों को पता चल ही चुका होगा हमारा थंबनेल और टाइटल पढ़ के। वैसे डिस्क्लोज नहीं करते ज़्यादा, तुम लोगों को बस इतना बताते हैं हम जा रहे हैं यहाँ के मिनी पंजाब में। और मिनी पंजाब वहाँ का दिखता कैसे है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, तुम लोगों को वहाँ पे जाके पता चलेंगी। और क्या क्या चीज़ें हमें एक्सप्लोर करने को मिलेगी, क्या वहाँ पे होगा कैसा नहीं, हमें कुछ आइडिया नहीं है। और पहली बार आज हम जा रहे हैं उस जगह पे थ्रू बस के। तो ऐसे तो हम मतलब गाड़ी वगैरह किसी थ्रू चले जाते हैं, बट इस बार हम जा रहे हैं बस के थ्रू। टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं सुबह के और हम लेट चल रहे हैं। और तुम देख सकते हैं मौसम यहाँ का इस वक्त किस तरीके से हो रखा है। और इसी मौसम के कारण हम अगर इतना लेट चल रहे हैं तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बाकी इसके हाथ है भाई, जो करेगा अच्छा ही करेगा। बाकी अब बस पकड़ते हैं, मेन चीज़ है बस लेके। 1-1.5 घंटे का रास्ता होगा बस में या ज़्यादा होगा पता नहीं। वहाँ पे पहुँचते हैं और तुम लोगों को फिर दिखाते हैं वहाँ का। गाइस अभी बस पकड़ लिए ऑक्सफोर्ड ट्यूब, तो उसमें बैठे हैं और काफ़ी अलग वाइब है इसकी ना, प्रॉपर मज़ेदार वाली। पहली बार बैठा हूँ ऑक्सफोर्ड ट्यूब के अंदर और जा रहे हैं हम लोग। देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, कहाँ उतरते हैं, कितना भाग दौड़ करनी पड़ेगी उसके आगे। बाकी अगर मौसम की बात की जाए, तुम लोग देख सकते हैं मौसम किस तरीके का हो रखा है, बहुत अजीब सा मौसम हो रखा है। अभी हम लोग जा रहे हैं एक टनल के अंदर। अभी हम किस जगह पे आए हैं, वेस्ट में हैं, वेस्ट मिनिस्टर बोलते हैं, वेस्ट लंदन वेस्ट में आ रखे हैं। तो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे देख रहे थे, तो पापा को भी याद आया कि यहाँ पे हमारे सुपरस्टार शाहरुख खान सर, उनकी भी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनको हाउस है यहाँ पे। तो अभी हमने गूगल करा तो यहाँ से पता चला कि यहाँ से 2 मिनट का रास्ता आगे को, यहाँ से सीधा आगे जाके एक टर्न आएगा राइट को वहाँ पे है। तो क्या सोचा आपने, जाना वहाँ पे? क्या करना है, देखते हैं, मिल के आएंगे शाहरुख खान से। शाहरुख खान जाने हैं, पूछा था, फ़ोन किया था मैंने। अच्छा, पता नहीं है। ये देखो आपका होटल है, कितना शानदार होटल है, वाइट होटल, कितना प्यारा लगता है। वेल आज नहीं तो कल, कभी ना तो कभी हम मिलेंगे शाहरुख खान से भी। फिलहाल जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद तुम लोगों से मिलते हैं। पता नहीं कितना लंबा सफ़र जाएगा। अभी तक हम सेंट्रल से फिर हम वेस्ट में आए हैं, और वेस्ट से आगे पता नहीं कहाँ जाएंगे। वेस्ट में रेस्ट जाएंगे, वेस्ट से हम रेस्ट करने जाएंगे। चलो जितनी जल्दी पहुँचे गुत्ता। फाइनली हम लोग आ चुके हैं जहाँ पे आना था, वहाँ पे नहीं, बस से उतर के। ये अभी भी हम कहाँ हैं, बकिंगम पैलेस रोड की तरफ हम जा रहे हैं। अलग ही दुनिया में आ चुका हूँ इस वक्त ना, अलग ही दुनिया है यहाँ पे।
था कि जो चीज़ें सोची थी उससे अलग ही चीज़ें हो गई यहाँ पे। बाकी नो आइडिया, क्लूलेस है इस वक्त हम, कैसे जाना कैसे नहीं जाना, बस इसका कुछ पता नहीं है। ट्रेन के तरीके से हम, हमें बताया जा रहा है कि ट्रेन के तरीके से हम जा सकते हैं। बाकी चलो निकलते हैं, कहीं ना तो कहीं से पहुँच ही जाएंगे। कितना शानदार है यार यहाँ पे ये सब। आए थे हम साउथ हॉल के लिए, लेकिन यहाँ लंदन घूम रहे हैं क्योंकि बहुत शानदार है यार। हूँ आप आए हैं पहली बार इतने ट्रेन स्टेशन जरा होंगे है कि जो भी आप काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। अब कुछ चीज़ें जो हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं मैं तुम लोगों को बताऊँगा जब हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा, जब हम अपनी डेस्टिनेशन पहुँच जाएंगे तब तुम्हें बताएंगे किन चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, किन चीज़ों का तुम्हें क्या करना है।
ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਯਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਾਂਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਗਾਹ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੜਾ ਗਾਹ ਪਾਉਣਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ इंडिया वापस चलिए मज़ेदार ये आई अपनी लस्सी भाई जी लस्सी में पीने मजा नहीं चलो एक्सचेंज और भाई ये अपना आया मिक्स चने ये अपने छोले भटूरे ओए होए होए चलो खाइए खाइए पिए ऐश करिए मित्रों दिल पर किसी का दिखाइए ना चलो मजे लीए ये अपनी कजोल भैन काजोल इन्हें अपनी अखा च भी किन्ना कज्जल लाया है जद के नाम भी काजोल है तो गाइस अभी लेने आए यहाँ पे थोड़ा सा सामान और मेरे को यहाँ पे कुर्ता ही काफ़ी अच्छा लगा ये वाला ये भी अच्छा था वैसे नो डाउट पर थोड़ा ज़्यादा ही प्लेन में चला गया ये भी अच्छा तो बिना भी चेक करके देख लेने जेकर अगर इदा का ही अगर सोना लगे ठीक है नहीं तो मैं इदा का ही लै रहा वो ज़्यादा वधिया रहना दिखने पहले कैसा मिलता है हमने ले लिया जो सामान लेना था और इसकी हम ब्रांडिंग बिल्कुल नहीं करेंगे ठीक है और काफ़ी अच्छा सामान मिल गया ठीक ठाक अब तुम लोगों को ये पहना हुआ मिलेगा बहुत जल्दी उससे 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 पहले पापा ने कुछ सामान लेना था घर के लिए तो वो उसके लिए शॉपिंग कर रहे हैं मिला कुछ आपको चाला पतीला लें तो सोचे करते ही सो गाइस फाइनली अब घर जा रहे हैं और बस में बैठ चुके हैं अब सीधा हम जा रहे हैं स्टॉप की तरफ जहाँ पे ट्रेन स्टेशन कहते हैं वहाँ पे जाएंगे और वहाँ से हम ट्रेन पकड़ेंगे सीधा विक्टोरिया स्टेशन की तरफ वहाँ से फिर अपनी ऑक्सफर्ड ट्यूब पकड़ के सीधे घरों को चलेंगे तुम लोगों को पूरा बताएंगे भाई कितना खर्चा हुआ क्या क्या कुछ हुआ हाँ कितना खर्चा हुआ क्या कुछ हुआ किस तरीके से आपको जाना है कैसे नहीं जाना वो तुम लोगों को सब कुछ बताएंगे हमें घर पहुंचने दो और तुम लोगों को भाई शौक होने वाले तुम लोग सुन के जो हमारे साथ हादसे हुए ना लिटरली शौक होने वाले हो बाकी मिलता तुम लोगों को लगना चाहिए कि आप लैंड आए थे चीज़ें खानी चाहिए कितना प्यारा बनाया है विक्टोरिया पैलेस ये आइडिया मैं ही दिता है इधर के लोगों को कि यहोजा कुछ बनाओ लोग देख आए थोड़ा जहा यू नो जगह यहोजी बनेगी कि विजिटर्स आए थोड़े इतना शानदार लग रहा हूँ यह देखो ये है पाम हाउस आप हाथ जोड़ना भी सिखा दिया हाथ जोड़ना यहोजा सिखाया इन्होंने बिल्डिंग बनाती है जिसका नाम है पाम हाउस कितने शानदार शानदार कंसैप्ट दिता जो आप इधर के लोगों कितने वधिया वधिया आर्किटेक्चर दी है इन्होंने बाकी ये तो है ही है ना ये चलो माशाला यह चीज़ें है जो बहुत खूबसूरत खूबसूरत ने बाकी एक घड़ी है इन्हों क्या है कि जी लंडन जी घड़ी हैगी एक जगह से घोर के लगाओ इन्होंने इतने भी लगवा दी चलो वधिया यार बिल्कुल बिल्कुल कितनी शानदार जगह यार प्यारा लग रहा है मौसम मौसम भी शानदार है इतनी लोकेशन बड़ी शानदार है ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਜਾ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਨਾਲੇ ਕੌਣ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜਾ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਹੈ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਭੁੱਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਘੋੜੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਔਕਸਫੋਰਡ ਟਿਊਬ ਹੈ ਨਾ
और अभी खाली बस का इंतज़ार हो रहा है, अंधेरा भी काफ़ी होने लग पड़ा है। अभी बस घर चलते हैं यार, घर जाके तुम लोगों को सभी कहानी बताते हैं कि किस तरीके से हम लोगों ने ये सारा सफ़र किया, किस तरीके से सारा सफ़र रहा, कितना खर्चा आया, क्या कुछ किया हमने, क्या कुछ खाया और सभी ने। बाकी पर्सनली अगर एक्सपीरियंस जो है वो सब तुम्हें घर जाके बताएंगे, अभी इतनी हालत नहीं है कि खड़े खड़े तुम लोगों को सब विस्तार में बताएंगे किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा। वाह, मिलता हूँ तुम लोगों को एक ही क्लिक के अंदर, और बने रहो ठीक है, बहुत टायर्ड हो गए हैं। सो गाइस अभी घर आ चुके हैं, घर आके थोड़ा सा रिलैक्स हुए हैं, कपड़े चेंज किए हैं अभी, और पापा के सिर दर्द हो रही थी और वो रिलैक्स कर रहे हैं, उनके लिए चाय बना के दी, सब बढ़िया हुआ। और जैसे कि तुम लोगों को मैंने बताया कि घर जाके तुम लोगों को सब बताता हूँ किस तरीके से क्या हमारा सफ़र रहा। सो बेसिकली हम लोगों ने कल ही डिसाइड किया था कल रात को कि हम जाएंगे ऐसा कि साउथ होल घूमने जाएंगे। हमें इतना पता था कि यहाँ से एक बस जाती है जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड ट्यूब, जो डायरेक्ट जाती है लंदन की तरफ, तो हमने उस हिसाब से चल रहे थे कि जो उसका लास्ट स्टॉप होगा ऑक्सफोर्ड ट्यूब का लंदन में, वो साउथ होल से बिल्कुल करीब है, तो वहाँ से हम बस ले लेंगे, बस से आगे चले जाएंगे साउथ होल, वहाँ घूम लेंगे। तो जो हमारा प्लान था हम उस तरीके से चल रहे थे, और जैसे हम वहाँ पर पहुँचे अपने आखिरी स्टॉप पे ऑक्सफोर्ड ट्यूब से, तो हमने वहाँ पे जाके ढूंढने की कोशिश करी कि कौन सी बस है जो आगे साउथ होल की तरफ जाती होगी। हमने गूगल किया, कहीं पे भी कुछ पता ना चले कि भाई कोई बस जाती भी है कि नहीं जाती। फिर एट दी एंड हमें पता चला कि कोई बस नहीं जाती साउथ होल डायरेक्ट, हमें ट्रेन लेने की ज़रूरत है। तो हम ट्रेन स्टेशन गए, वहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन था उसका नाम था विक्टोरिया स्टेशन, राइट? हाँ, विक्टोरिया स्टेशन। तो हम जैसे वहाँ गए, वहाँ पे जाके हम पहली बार सफ़र कर रहे थे स्टेशन में ट्रेन के अंदर, तो हमें कोई नॉलेज नहीं भाई कैसा कैसा होता अंदर जाके, कैसे ट्रेन लेनी है, कहाँ जाएगी, किस तरह जाएगी, कुछ नहीं पता। हमने ऑक्सफोर्ड में नहीं कभी ट्रेन में सफ़र किया, हम लंदन में जाके ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। बाकी वहाँ पे जो स्टाफ था वो काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी हमारे साथ उन्होंने कोऑपरेट किया, बहुत हेल्प करी, जिससे भी पूछा हर एक ने गाइड किया। तो उन्होंने हमें बताया कि अगर तुम लोग टिकट ख़रीदने जाते हो, लाइक काउंटर पे जाके ख़रीदने जाते हो, तो वो तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। और वहाँ पे एक होता है कि जैसे तुम अंदर जाते हो ना, वहाँ पे तुम सिर्फ अपना कार्ड जो है वो टैप करो, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, और सीधा अंदर चल जाओ, वो तुम्हें सस्ता पड़ेगा। वो जो है वो तुम्हें कुछ £3 समथिंग में कुछ पड़ जाएगा, अगर तुम टिकट ख़रीदने जाओगे वो उसका डबल पड़ जाएगा। तो हमने उनकी जो गाइडेंस थी उसके मुताबिक हमने टैप करना है इजी समझा कि हम अपने पैसे बचाएं। तो जैसे अंदर गए, उसके बाद हम ट्रेन में बैठे, ट्रेन हमें उस स्टेशन से लेके एक स्टेशन लेके गई, वो था किडलिंगटन, ऐसा कुछ था उसका नाम। तो जैसे हम वहाँ पे पहुँचे, पैडिंगटन पहुँचने के बाद हमें पता चला कि हमें एक और ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी। वहाँ से हमारी ट्रेन पैडिंगटन से वो सीधा जाती थी साउथ होल की तरफ, तो हमने वहाँ से भी लोगों से पूछा कि कैसा जाना है, कि हमें नहीं पता कि कौन सी ट्रेन लेनी है। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेशन दिखाई, हमें बताया कि इस तरफ से जाओ, आपको ये प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर मिल जाएगी। तो उनके गाइडेंस की तरफ से हम गए और सीधा साउथ होल पहुँचे। तो साउथ होल जाके भी खाए पिए, घूमे फिरे, और वहाँ से भी जब वापस आना हुआ तो हम लोगों ने सोचा कि एक और रूट था जो जाता था बस से साउथ होल से, क्या नाम था उस स्टेशन का, एलिगन ब्रॉडवे, मैं तुम लोगों को नाम लिख के दे दूंगा, तुम लोग देख लेना, मेरे को अभी नाम नहीं याद आ रहा। तो इस स्टेशन पे हम लोग गए थे, यहाँ ये जो स्टेशन था ये साउथ होल से इस स्टेशन तक जाने के लिए बसेस अवेलेबल थी, तो तुम बसेस में जा सकते हो, तो वो बसेस तुम्हें £1 जो है वो सस्ती मिलेगी। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा बस का भी सफ़र कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे देखते जाते हैं, शहर के अंदर से बस जाएगी तो शहर का भी अंदर का देख लेंगे कैसा है कैसा नहीं, जो कि बहुत खूबसूरत था। फिर उस स्टेशन पे हम जैसे पहुंचे, उस स्टेशन पे जाके उन लोगों से पूछा कि यहाँ से हमने आगे जाना है उस स्टेशन की तरफ, विक्टोरिया स्टेशन की तरफ, तो कौन सी ट्रेन मिलेगी। तो उन्होंने बताया कि ये वाली ट्रेन है, इस प्लेटफॉर्म पे आएगी, आप जाके ले लो।
तो वहाँ से फिर हम वापस विक्टोरिया स्टेशन आए. लाइक इन लाइक एट द एंड ऑफ द डे सभी ने बहुत हेल्प करी, काफ़ी ज़्यादा पोलाइट थे हमारे साथ. वो समझ रहे थे कि हम लोग पैनिक ना कर जाएं, तो उन्होंने काफ़ी पोलाइटली हमें समझाया, आप बताया कि ऐसे ऐसे है. तो बहुत ही अच्छे वे से हमारा घूमना फिरना हो गया. तो सभी घूम फिरा के अगर हम देखें तो हमारा नाना करते भी 100 पाउंड से कुछ ज़्यादा ही लग चुका है तो घूमने फिरने में, जो कि वर्थ इट है कि इतना घूमने फिरने में तो लग ही जाता है. बाकी बहुत अच्छा रहा सफ़र, बहुत बढ़िया. जो भी जाना चाहे तो भाई जा सकते हो, बस ये है कि तुम लोगों को थोड़ी बहुत जो है वो नॉलेज लेनी पड़ेगी बिफोर यू गो. ठीक है, प्लान बना के जाना, हमारी तरह बिना प्लान बनाए मत चले जाना, वरना ऐसे धक्के खाने पड़ेंगे. हम तो वैसे लेट चल रहे थे और उसके बाद ये सब होने के बावजूद भी टाइम पे घर आ गए, 8 बजे तक घर आ गए हम, जो कि बहुत अच्छी बात है. नेक्स्ट टाइम जो अब अगर तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है तो मैं ऐसे सफ़र कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प ले रहे हो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की, सो मेक श्योर तुम प्लान बना के जाओ और उसी हिसाब से उसको फॉलो करो. बाकी बहुत मज़ा आया, तुम लोगों को भी होप अच्छा लगा होगा इस वीडियो के अंदर. जितना कोशिश करा मैंने दिखाने की तुम लोगों को दिखाई हमारा मिनी पंजाब. बहुत स्वादिष्ट खाना था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया. इनफैक्ट कुछ चीज़ें थी जो देख के ऐसा लग रहा था कि हम सही में पंजाब में हैं. बाकी एनीवेज तुम लोगों ने होप इन्जॉय किया होगा. अगर इन्जॉय किया मेक श्योर यू गाइस लाइक दिस वीडियो, कमेंट करते हुए जाना तुम लोगों को ये कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब मेरा चैनल अगर तुम लोग इस चैनल पे नए हो. एंड मिलता हूँ तुम लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.